नमस्कार, मैं हूं नितेश गंगवार और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ और उसके बाद दिखाएंगे सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। 11 दिन पहले हुई बिजलीपुरा इलाके में रियासत की हत्या के मामले में अभी कई आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। पीड़ित परिवार ने एसपी से मुलाकात कर फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। एसपी ने परिवार को कार्रवाई का आश्वासन दिया। बंडा नगर पंचायत के सभासद ने नगर पंचायत अध्यक्ष पर लगाए आरोप। सभासद ने एसडीएम को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। सभासद बोले, बोर्ड की बैठक में पारित हुए प्रस्तावों पर नगर पंचायत अध्यक्ष नहीं कर रहे काम। चाहते लोगों को लाभ देने के लिए मनमानी तरीके से अध्यक्ष बना रहे कार्य योजना। खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस ने नकली उत्पाद बनाने वाली फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। पुलिस ने फैक्ट्री से कई कुंटल ब्रांडेड कंपनी की नकली चाय और नकली गुटखा किया बरामद। फैक्ट्री मालिक को भी हिरासत में लेकर जांच शुरू की। सावन के पांचवें सोमवार के मौके पर शिवालयों में दिखी शिव भक्तों की भीड़। रात से ही जलाभिषेक करने के लिए शिवालयों में शिव भक्तों की लग गई लंबी कतारें। तस्वीरें नियामतपुर के त्रिलोकीनाथ धाम की। और समाजवादी पार्टी 9 अगस्त से जिले की सभी विधानसभाओं में सेक्टर स्तर पर करेगी जन पंचायत का आयोजन। अखिलेश यादव के निर्देशन पर जन पंचायतों का होगा आयोजन। जन पंचायतों में लोगों की समस्याओं को सुनेंगे सपा नेता। सपा जिलाध्यक्ष तनवीर खान ने दी जानकारी। ये थी हेडलाइंस और अब दिखाएंगे जिले की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। पुवाया थाना क्षेत्र के जेवा गांव के रहने वाले 11वीं कक्षा के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि पारिवारिक कलह के चलते छात्र पिछले कई दिनों से परेशान चल रहा था, जिसके बाद आज उसने घर के कमरे में फंदे से लटककर जान दे दी। घटना के वक्त मां और बहन घर के आंगन में कुछ काम कर रही थी। फिलहाल सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नियामतपुर के त्रिलोकीनाथ धाम पर शिव भक्तों की सुबह से लंबी कतारें लग गईं। आज सावन के पांचवें सोमवार के मौके पर शिव भक्त भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए सुबह 4 बजे से ही लंबी लंबी लाइनों में लग गए। इस दौरान शिव भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। कटरा थाना क्षेत्र के मिल्कीपुर गांव में दानिश नाम के युवक की जहरीला पदार्थ पीने से शनिवार को मौत हो गई थी। इस मामले में गांव के ही पूर्व प्रधान समेत 4 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल दानिश के परिजनों का आरोप है कि ग्राम पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत दानिश ने की थी। इसी मामले में समझौता कराने के लिए आरोपी पूर्व प्रधान ताहिर कुरैशी, सैफतुल्ला विरासत और रियासत दानिश को घर से बुलाकर ले गए थे। परिजनों का आरोप है कि कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पिलाने से दानिश की मौत हुई है। परिजनों का कहना है कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाए। समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर आज एक बैठक का आयोजन हुआ। बैठक की अध्यक्षता सपा जिलाध्यक्ष तनवीर खान ने की। इस दौरान तनवीर खान ने बताया कि 9 अगस्त को जिले के सभी विधानसभाओं में सेक्टर स्तर पर जन पंचायत आयोजित की जाएगी। ये जन पंचायत सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशन पर आयोजित की जानी है। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष तनवीर खान का कहना है कि जन पंचायत में जनता की समस्याओं को सुना जाएगा। साथ ही सपा सरकार में मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव ने जो विकास कार्य कराए हैं उनके बारे में भी लोगों को बताया जाएगा। तनवीर खान का कहना है कि विधानसभाओं में इस तरह की जन पंचायत से समाजवादी पार्टी को बड़ी मजबूती मिलेगी। शाहजहांपुर में पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग ने नकली चाय की पत्ती और नकली गुटखा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। दोनों टीमों ने मौके से कई कुंटल ब्रांडेड कंपनियों की नकली चाय और नकली गुटखा बरामद किया है। पुलिस ने मौके से फैक्ट्री मालिक को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि नकली गुटखा और नकली चाय की पत्ती आसपास के कई जिलों में सप्लाई की जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने मामले में जाँच शुरू कर दी है।
दरअसल खाद्य सुरक्षा विभाग को सूचना मिली थी कि चौक कोतवाली क्षेत्र के टोल प्लाजा के पास बंद पड़ी एक फैक्ट्री में नकली चाय की पत्ती और नकली गुटखा तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस की टीम के साथ खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने फैक्ट्री में छापेमारी की। वहाँ मौके से लगभग 4 क्विंटल नकली चाय की पत्ती और भारी तादाद में नकली गुटखा बरामद हुआ है। जलालाबाद में पुलिस प्रशासन ने कांवड़ियों पर फूल बरसाए। दरअसल सोमवार के चलते बड़ी संख्या में कांवड़िए जल चढ़ाने के लिए गोला गोकर्णनाथ जा रहे हैं। फरुखाबाद से गोला गोकर्णनाथ जा रहे कांवड़ियों पर जलालाबाद में पुलिस और प्रशासन ने फूल बरसाए और फल बांटकर उनका स्वागत किया। इतना ही नहीं, कांवड़ियों के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए, साथ ही जगह जगह पर मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं। सीओ और एसडीएम का कहना है कि वह अपनी सरकारी ड्यूटी के साथ साथ अपने धार्मिक कर्तव्यों का भी निर्वहन कर रहे हैं। आपको बता दें कि हजारों की तादाद में कांवड़ियों ने सोमवार को गोला गोकर्णनाथ शिव मंदिर में जलाभिषेक किया। इससे पहले कांवड़िए फरुखाबाद से गंगा जल लेकर गोला गोकर्णनाथ में रवाना हुए। रास्ते में जलालाबाद में सीओ और एसडीएम ने अपने हाथों से फूलों की वर्षा करके उनका स्वागत किया। अगले वर्ष 2024 में भारतीय चित्र साधना द्वारा 5वें चित्र भारतीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हरियाणा के पंचकुला में दिनांक 23 से 25 फरवरी 2024 के मध्य किया जाएगा। इस फेस्टिवल में 10 लाख रुपए तक के पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा। इस फेस्टिवल में प्रतिभाग करने के लिए 1 सितंबर से 30 नवंबर 2023 तक के लिए आवेदन किया जा सकता है। फेस्टिवल को लेकर आज संघ कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता आयोजित हुई। इस दौरान ब्रज प्रांत के सह प्रचार प्रमुख कीर्ति कुमार ने कहा कि इस फेस्टिवल में पर्यावरण मेरा गांव, भविष्य का भारत, महिला सशक्तिकरण, रोजगार, भारतीय संविधान और इतिहास, नैतिक शिक्षा जैसे विषयों पर फिल्मों को प्रदर्शित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश स्कूल एसोसिएशन के आह्वान पर 8 अगस्त यानी कल जिले के सभी स्कूल बंद रहेंगे। ये जानकारी इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी सचिन बातम ने दी। दरअसल आजमगढ़ में विद्यालय प्रधानाचार्य और शिक्षक की गिरफ्तारी की गई थी, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश स्कूल संगठन ने एक दिवसीय स्कूल बंद कर सांकेतिक विरोध दर्ज कराने की बात कही है। राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की। मिथिलेश कुमार ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री के आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर काफी देर तक चर्चा की। जलालाबाद में नगर पालिका अध्यक्ष शकील खान ने कांवड़ियों के लिए भंडारे का आयोजन किया। इस दौरान शकील खान ने अपने हाथों से कांवड़ियों को भंडारे का प्रसाद ग्रहण भी कराया। दरअसल फरुखाबाद से जल लेकर कांवड़िया जलालाबाद होते हुए गोला गोकर्णनाथ के लिए जाते हैं, जिसको लेकर आज जलालाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष शकील खान ने जलालाबाद में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया। कोतवाली थाना क्षेत्र में मानसिक रूप से बीमार चल रही महिला ने फंदे से लटक कर जान दे दी। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला ककरा खुर्द के रहने वाले इब्बे हसन ने बताया कि उनकी 50 वर्षीय पत्नी का कैंसर के चलते पिछले लंबे समय से मानसिक तौर पर बीमार चल रही थी, इसको लेकर उसका इलाज भी कराया जा रहा था। वहीं आज सुबह वह घर से मजदूरी करने के लिए चले गए थे, जिसके बाद उनकी पत्नी ने बस चार्जिंग स्टेशन के पास खड़े पेड़ से लटक कर जान दे दी। महिला को पेड़ से लटकते देख राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बंडा नगर पंचायत के सभासद ज्ञानेंद्र सिंह ने एसडीएम को शिकायत देते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सभासद ज्ञानेंद्र सिंह का कहना है कि बीते दिनों नगर पंचायत बंडा में बोर्ड की बैठक संपन्न हुई थी, जिसमें विकास से जुड़े कई कार्यों को लेकर प्रस्ताव पारित हुए थे। वहीं अब नगर पंचायत अध्यक्ष और बाबू मनमाने तरीके से पक्षपात करते हुए काम कर रहे हैं। वह अपने चहेते लोगों को मोहल्ले में ही विकास से कार्य करने के लिए नए प्रस्ताव बनाकर कार्य योजना में शामिल कर रहे हैं। ऐसे में सभासद ज्ञानेंद्र सिंह ने मांग की है कि बोर्ड की बैठक में पास हुए प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर कार्य योजना में शामिल कराया जाए।
बंडा नगर पंचायत के मोहल्ला रामनगर कॉलोनी की रहने वाली महिला गोमता देवी ने नगर पंचायत अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गोमता देवी का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र पाए जाने पर उनके खाते में पहली किस्त के पैसे आए थे, जिसमें से नगर पंचायत अध्यक्ष ने सुविधा शुल्क के नाम पर कुछ पैसे ले लिए और बैंक पासबुक भी अपने पास रख ली। वही महिला का कहना है कि अब नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा सुविधा शुल्क के रूप में और रकम मांगी जा रही है और पैसे ना देने पर नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा दूसरी किस्त रुकवाए जाने की भी धमकी दी जाती है। फिलहाल अब महिला ने जिलाधिकारी को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। शाहजहांपुर पुलिस के सुस्त रवैये के चलते 5 बेटियां दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। दरअसल 11 दिन पहले बिजलीपुरा इलाके के रहने वाले रियासत की जमीनी विवाद को लेकर पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। हत्या के मामले में 10 नामजद और 1 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज की गई। इसके बाद पुलिस अभी तक सिर्फ 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज पाई है, जबकि इस मामले से जुड़े 7 आरोपी अभी भी फरार हैं। आरोपी की पिता की हत्या करने वाले पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी दे रहे हैं। रौजा थाने की पुलिस को सूचना दी, फिर भी पुलिस ने खुलेआम घूम रहे आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। फिलहाल अब इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सड़क निर्माण से संबंधित परियोजनाओं की समीक्षा को लेकर आज एक बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में 50 लाख या उससे अधिक लागत से बनने वाली सड़कों को लेकर समीक्षा की गई। इस मौके पर उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर के अनुपस्थित होने पर जिलाधिकारी ने शासन को पत्र लिखने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट मैनेजर इससे पहले भी निर्माण कार्यों से संबंधित बैठकों में शामिल नहीं हुए। शाहजहांपुर के ऑल साइंस स्कूल और किडस जोन में आज फ्रेंडशिप डे मनाया गया। महानगर के मोहल्ला भारद्वाजी स्थित ऑल साइंस और किडस जोन स्कूल में फ्रेंडशिप डे कार्यक्रम धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का थीम पीले रंग पर रखा गया था। इस दौरान सभी बच्चे पीले रंग से सजे दिखे। कार्यक्रम में सबसे पहले शिक्षिकाओं ने बच्चों को फ्रेंडशिप बैंड बनाना सिखाया। फिर बच्चों ने अपने फ्रेंड्स के लिए फ्रेंडशिप बैंड बनाए और उनको फ्रेंडशिप बैंड बांधकर शुभकामनाएं दी। वहीं इस दौरान बच्चों को पीले रंग के महत्व के बारे में भी बताया गया। तो वहीं स्कूल डायरेक्टर सचिन बातम ने बच्चों को मित्रता का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन में मित्रों का होना अत्यंत सुखद होता है।